आदाब आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल शमाए उर्दू। आज जो मैं चीज़ लेकर आया हूँ वो बड़ी अलग है, NIOS वालों के भी काम आएगी, CBSE वालों के भी काम आएगी, छोटे बच्चों के भी काम आएगी, बड़ों के भी काम आएगी, यानी मज़मून। यहाँ पे मैं तकरीबन 30 मज़मून, 30 से कि तकरीबन जो है 23 मज़मून लेके आया हूँ, और उसमें ताजमहल, लाल किला, सारे मतलब मज़मून शामिल हैं, और उर्दू में है। मैं उर्दू में मिलना मुश्किल है, आते हैं बच्चों परेशान रहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ताजमहल के बारे में बताऊंगा, पहला मज़मून हमारा ताजमहल के बारे में। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, आपने ताजमहल तो देखा ही होगा। अब ताजमहल के बारे में लिखने के लिए अगर आए तो आप लिखेंगे, ताजमहल मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने अपनी प्यारी बेगम मुमताज़ की याद में तामीर कराया। एक पॉइंट, ये संग मरमर के चबूतरों पर बीचों बीच बना हुआ है, ये आगरा में जमुना के किनारे बना हुआ है, ये दुनिया का सबसे खूबसूरत इमारत है और इसे दुनिया के 7 अजायबात में से 5वां अजूबा माना गया है। ठीक है, यानी 5वां अजूबा। इसको बनाने के लिए शाहजहाँ ने ना सिर्फ हिंदुस्तान भर से बल्कि दुनिया के कोने कोने से बेहतरीन कारीगर बुलवाए थे। ताजमहल का नक्शा उस्ताद ईसा ने बनाया था, जो शहरीजी या तुर्की नस्ल का था। ताजमहल को बनाने में तकरीबन 20 वर्ष लगे, 10 वर्ष लगे, 10 बता रहे हैं, बहुत से जगह 20 है। ये 1638 में बनना शुरू हुआ और 1648 में बनना, इस पर 1,50,00,000 रुपए खर्च किए। यूँ तो ताजमहल को रोज़ाना ही हज़ारों लोग देखने को जाते हैं, मगर मार्च का महीना ताजमहल को देखने के लिए सबसे ज़्यादा मौसम, क्योंकि बाहर का मौसम होता है, चांदनी रात में ताजमहल नहायत खुशनुमा मालूम होता है, ख़ास तौर पर चांद की 14वीं रात को। ताजमहल का नज़ारा बड़ा ही दिलकश, ऐसा लगता है गोया ताजमहल को दूध में नहला दिया। मार्च के महीने में यहाँ एक मेला भी लगता है जिसमें दूर दूर से लोग आकर शरीक होते हैं, ये मेला कई रोज़ चलता है। तो ताजमहल के 3 दरवाजे हैं, लेकिन आम लोगों के दाखिले के लिए सिर्फ एक ही दरवाज़ा खुला रहे, जिसके अंदर जाने के लिए 2.50 रुपये का टिकट लेना पड़ता है। पहले का टिकट अब तो पता नहीं 100-200 का हो गया। इसके अंदर आमने सामने 2 खूबसूरत मस्जिदें भी हैं, एक मस्जिद में बाकायदा 5 गाना नमाज होती, जिसमें जुमे के रोज़ भारी तादाद में मुसलमान नमाज, इसलिए जुमे के दिन ताजमहल में दाखिले के लिए टिकट हटा दिया जाता है। चुनांचा ताजमहल की सैर हर आदमी मुफ्त कर सकता है, जुमे के दिन हर आदमी मुफ्त कर सकता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ताजमहल से रिलेटेड एक छोटी सी वीडियो आपके लिए मैंने तैयार करी है, और मैंने कोशिश करी है कि आप बच्चों के सबके काम आए, ताकि जो है आप लोग जो है अच्छे से पढ़ सकें, मेहनत कर सकें। और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।